हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील सत्यजीत रे। दोस्तों, क्या सत्यजीत रे को किसी परिचय की जरूरत है? बंगाल के ये महान फिल्म मेकर, हिंदुस्तान के ये महान फिल्म मेकर, एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने इंडियन फिल्म्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिलवा दिया। हिंदी फिल्मों के बारे में, जो ट्रेडिशनल हिंदी फिल्में हैं उनके बारे में सत्यजीत रे हमेशा कहा करते थे कि इन बॉम्बे स्क्रिप्ट्स आर मेड नॉट रिटन, मुंबई में स्क्रिप्ट्स बनाए जाते हैं, लिखे नहीं जाते। लेकिन हिंदी सिनेमा के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स की वो बहुत इज्जत करते थे, उनकी बहुत कदर करते थे। खास तौर पे उन्हें वी शांताराम, बिमल रॉय, चेतनानंद, गुरुदत्त, श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी की फिल्में बहुत पसंद थी। वो इन फिल्म मेकर्स को एडमायर करते थे। सत्यजीत रे की फिल्मों को पाथेर पंचाली, अभिजान, अरण्य दिनरात्रि, शतरंज के खिलाड़ी और उनकी बहुत सारी फिल्मों को, जैसे उनकी टेलीफिल्म थी सदगति, इन फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे सम्मान मिले। सत्यजीत रे के काम करने का ढंग और अंदाज बिल्कुल अलग था। वो एक सच्चे आर्टिस्ट थे। वो हिंदुस्तान की फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पे ले गए और उन्हें ऑस्कर भी दिया गया। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, सत्यजीत रे एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था अभिजान। ये फिल्म बेस्ड थी ताराशंकर बंदोपाध्याय के क्लासिक पे और इस फिल्म के लीड रोल के लिए सत्यजीत रे नरगिस को साइन करना चाहते थे। इसी फिल्म के लिए उन्होंने एक नए एक्टर को चुना था। उस एक्टर का नाम था सौमित्र चैटर्जी। सत्यजीत रे नरगिस के साथ काम करना चाहते थे और नरगिस भी उनके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन उस समय नरगिस प्रेग्नेंट थी और वो किसी भी फिल्म में काम नहीं कर सकती थी। और उन्होंने सत्यजीत रे को फोन किया और उन्हें कहा कि वो उनके साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएंगी क्योंकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। सत्यजीत रे को उनके साथ काम करने का ख्याल अपने दिल से निकालना पड़ा और उसके बाद उन्होंने एक खत भेजा वहीद रहमान को कि वो उनकी ये फिल्म करें। दोस्तों, सत्यजीत रे वहीद रहमान को खूबसूरत मानते थे और इंटेलिजेंट भी। सत्यजीत रे का मानना था कि वहीद रहमान वॉज इंटेलिजेंस मिंगल्ड विद ब्यूटी, अ रेयर स्पीशीज ऑफ इंडियन सिनेमा, और वो उनके साथ काम करना चाहते थे। जब वहीद रहमान को यह खत मिला तो वो बहुत खुश हुई। उनके मेंटर गुरुदत्त ने भी उनसे कहा कि वो सत्यजीत रे के साथ जरूर काम करें। लिसनिंग टू दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब वहीद रहमान को सत्यजीत रे का खत मिला कि वो उनकी फिल्म अभिजान में काम करें तो वो सोच में पड़ गई। कुछ हद तक वो नर्वस भी हो गई। सत्यजीत रे एक महान फिल्म मेकर थे, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया और वो कलकत्ता चली गई। सत्यजीत रे ने वहीद रहमान की दो फिल्में देखी थी, कागज के फूल और प्यासा, और उन्हें उनका काम बहुत अच्छा लगा था और उन्हें यकीन था कि अभिजान के उस मेन किरदार को, मेन कैरेक्टर को वो बहुत अच्छी तरह निभा पाएंगी। रे की फिल्म अभिजान में वहीद रहमान का जो कैरेक्टर था वो था गुलाबो का। ये एक देहाती महिला है जो बंगाल बिहार के बॉर्डर पर रहती है। सत्यजीत रे के साथ काम करते समय वहीद रहमान ने बहुत कुछ सीखा। सत्यजीत रे एक परफेक्शनिस्ट थे, स्क्रिप्टिंग में, डायरेक्शन में, एडिटिंग में, और उन्हें हर चीज क्लियरली पता थी। हर चीज वो बिल्कुल क्लियरली विजुअलाइज करते और शूट करते। इसी फिल्म में वहीद रहमान को कुछ लाइंस अपनी आवाज में गानी थी, लेकिन वो नर्वस हो गई क्योंकि वो ट्रेन सिंगर नहीं थी। तब सत्यजीत रे ने उन्हें कहा कि इसमें उनका जो किरदार है गुलाबों का, वो एक देहाती महिला है बंगाल बिहार बॉर्डर पर रहने वाली, और ये लाइंस गाने के लिए उन्हें किसी
नाइटिंगेल की, किसी कोयल की या लता मंगेशकर की जरूरत नहीं है, ये लाइंस उन्हीं को गाना जरूरी है, क्योंकि ये महिला अपने खुशी का इजहार करती है इस गाने की लाइंस गाकर। तब वहीद रहमान ने वो गाना गाया और सत्यजीत रे ने उन्हें बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया। इसी फिल्म में अभिजान में वहीद रहमान को लगता है कि उनकी एक सीन जो उन्होंने सौमित्र चैटर्जी के साथ शूट की थी, वो एक लैंडमार्क है सिनेमैटिक नैरेटिव में। इस सीन में वहीद रहमान सौमित्र चैटर्जी से कहती हैं, तो के नाच देखाबो बाबूजी, मैं आपको ये डांस दिखाती हूं। और जिस ढंग से सत्यजीत रे ने यह सीन पिक्चराइज किया, इस सीन को सिनेमैटिक नैरेटिव में, हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों 1968 में सत्यजीत रे एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था अरण्य दिन रात्रि। इस फिल्म में उनके साथ काम कर रहे थे समित भांजा। दोस्तों एक शाम सत्यजीत रे राज कपूर की पार्टी में आए और वहां पे उन्होंने कुछ लोगों से बातें करना शुरू कर दी। वहीं पे सिमी गरेवाल भी थी। कुछ देर बाद उन्होंने महसूस किया कि एक लंबे एलिगेंट शख्स उनकी तरफ देख रहे हैं और अपनी तेज आंखों से उनको स्टडी कर रहे हैं। इस वजह से सिमी गरेवाल एम्बेरेस्ड हो गई, परेशान हो गई। वो राज कपूर के पास गई और उनसे कहा कि वो जो एक लंबे शख्स हैं, वो एलिगेंट शख्स हैं, वो उनकी तरफ घूर रहे हैं और उनको स्टडी कर रहे हैं। तब राज कपूर ने हंसना शुरू किया, दिल खोलकर हंसना शुरू किया और सिमी गरेवाल को ले गए उस शख्स के पास, उस लंबे एलिगेंट शख्स के पास, और सिमी गरेवाल को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। वो लंबे शख्स, वो एलिगेंट शख्स थे सत्यजीत रे। कुछ ही दिन बाद सिमी गरेवाल को एक टेलीग्राम मिला कि उन्हें सत्यजीत रे की फिल्म अरण्य दिन रात्रि के लिए चुना गया है। दोस्तों इस फिल्म में सत्यजीत रे ने सिमी गरेवाल को एक सिंपल लुक दिया, उनको डी ग्लैमराइज कर दिया और उनसे कहा कि वो अंडर प्ले करें, और रे ने उनके चेहरे पे कॉन्सेंट्रेट किया, उनकी आंखों पे, उनके होठों पे, और सिमी गरेवाल को बताया कि बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, एक एक्टर या एक्ट्रेस जब बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो कितने इफेक्टिव हो जाते हैं स्क्रीन पे, कितने अच्छे लगते हैं और कितने एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। उस समय तक सिमी गरेवाल को ये नहीं पता था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सत्यजीत रे ने उन्हें ये सिखाया कि बॉडी लैंग्वेज एक एक्टर की, एक एक्ट्रेस की एक्सप्रेशन का एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त आपका अजीज सुशील। दोस्तों हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद सत्यजीत रे के फेवरेट लेखक थे। उन्हीं की एक नॉवेल पे उन्होंने फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी और रे जानते थे कि वो हिंदी में माहिर नहीं है, हिंदी में वो अपनी लिमिटेशंस जानते थे, लेकिन सत्यजीत रे बुलंद आर्टिस्ट थे। वो अपनी फिल्म के लिए स्केचेस बनाते, इलस्ट्रेशंस बनाते, अपने कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स और सेट डिजाइंस क्रिएट करते। इन कलाओं में सत्यजीत रे को महारत हासिल थी। जब भी सत्यजीत रे कोई फिल्म बनाते तो स्क्रिप्ट के हिसाब से वो स्केचेस बनाते, कैरेक्टर्स के इलस्ट्रेशंस बनाते, कॉस्ट्यूम्स के इलस्ट्रेशन बनाते, सेट डिजाइन बनाते, क्योंकि वो इस आर्ट में माहिर थे। शतरंज के खिलाड़ी बनाते समय उन्होंने सभी कैरेक्टर्स के स्केचेस निकाले, सेट्स के स्केचेस निकाले और कॉस्ट्यूम्स को भी बहुत अच्छी तरह डिजाइन किया अपने स्केचेस के जरिए। उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी के लिए जो आर्टिस्ट लिए वो भी बहुत सोच समझ कर।